हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ दिखाने के लिए आई हूँ। और मैं आपको क्या दिखाने आई हूँ, देखिए। मेरी इस टाइम तबीयत खराब चल रही थी तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। तो वहाँ पर डॉक्टर ने मेरा वेट 79 kg बताया। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, सब कुछ अपन सच बताऊंगी। 79 kg बताए और डॉक्टर बोले कि आपको अपना वज़न कम करने की ज़रूरत है। तो अभी तक जब सब लोग मुझे बोलते थे कि मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि चलिए, हम अगर अपने शरीर में कंफर्टेबल हैं तो हमें दूसरों की परवाह क्या करना। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हुआ, जब डॉक्टर अगर आपको बोल रहे हैं तो डॉक्टर के हिसाब से अगर डॉक्टर बोले तो आपको हाई अलर्ट हो जाना चाहिए। तो इस वजह से देखिए आप कितना देख रहे हैं मेडिसिन। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो कि मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकती हूँ। आप जो लेडीज हेलो, होंगी नमस्ते, वो गुड समझती होंगी। तो मॉर्निंग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मैंने स्वस्थ और मस्त अपना होंगे। तो देखिए, सुबह की डॉक्टर के शुरुआत मैं कहने ही के करूँगी। मुताबिक मैंने अपना डेली रूटीन चेंज कर दिया। तो मैंने क्या चेंज किया वो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ और मैं क्या हाँ करती बताइए, हूँ। सब तो अच्छे फ्रेंड्स, हैं, सुबह स्वस्थ की वस्थ हैं? शुरुआत हो गई है हमारी नींबू पानी के साथ। दोस्तों, मेरे हस्बैंड और बच्चे सुबह स्कूल जल्दी जाते हैं तो मैं सुबह एक्सरसाइज वगैरह ये सब नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, अब मुझे टाइम जैसे मिलता है एक्सरसाइज वगैरह करने का, चाहे वो सीढ़ियाँ चढ़ना हो या नींबू पानी वगैरह, ये सब मैं फुर्सत में ही करती हूँ। तो यहाँ बासे मुँह हम सबसे पहले नींबू पानी पीते हैं और ये गिलास बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पर जब हमको टाइम मिलता है तो मैं वॉकिंग करती हूँ। सुबह हम बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि मेरे बच्चों का टाइम एडजस्ट नहीं हो पाता है, हस्बैंड का टाइम मॉर्निंग में स्कूल है तो एडजस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन मैं अपने हिसाब से मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने की कोशिश अब करने लगी हूँ। मॉर्निंग जिस टाइम भी मुझे टाइम मिलता है खाली पेट करती हूँ और मैं वॉकिंग करती हूँ और सीढ़ियों पर चढ़ती हूँ, सीढ़ियों पर भी चढ़ती उतरती हूँ। तो इससे हमारे बॉडी को मेंटेन होगा। हाँ, मानते हैं कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। और हाँ फ्रेंड्स, हम सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता है, एक्सरसाइज करने के बाद उस शरीर को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही आपका वज़न कम थोड़ी ना होगा, हमें अधिकतर अपनी डाइट के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्मली जो दो चीज़ होती हैं जिनको हम हमारे यहाँ जहर बोलते हैं, एक तरफ से नॉर्मल जहर ही बोलते हैं, वो है हमारा वाइट शुगर, और यानी कि आप मीठा कम खाइए। और ज़रूरी नहीं कि हम चीनी खा रहे हैं तो ही हमारा वाइट शुगर हो, हम जो ये बिस्किट्स चिप्स वगैरह सब खा रहे हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसान करता है। तो हमारे घर में नॉर्मली वैसे भी मीठा नहीं खाते हैं ज़्यादा, लेकिन वाइट शुगर हो गया और उसके बाद मैदा, ये सब जब हम खाते रहते हैं और धीरे धीरे ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा करता रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी ये सब खाने काफ़ी हद तक बंद कर दिए हैं। अब किस थोड़ी बहुत तो चलता भी है, इतनी भी ज़्यादा मैं डाइट नहीं ले पाती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर पाएँ, लेकिन हाँ थोड़ी तरफ अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर हो रही है हमारी एक्सरसाइज और साथ में हमारा, देखिए आप देख पा रहे होंगे, हेडफोन लगा जिसमें हमने म्यूजिक लगा रखा है। म्यूजिक अगर हम लगा लेते हैं तो फ्रेंड्स, इससे हमको कोई थकान वगैरह की पता नहीं चलती है। तो मैं कोई भी काम करती हूँ तो हमें काम करने में इंटरेस्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस म्यूजिक के चलते एक्सरसाइज हो रही है। और फ्रेंड्स, जब हम शुरू शुरू में एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे शरीर में बॉडी में पेन होगा, और मैं वो ही एक्सरसाइज करती हूँ जो मुझे ज़्यादा हार्ड ना लगे, ज़्यादा कठिन ना लगे, क्योंकि हमको घर का काम भी करना होता है।
और बॉडी जब हम हमारा बॉडी ही दर्द करेगा तो उसमें हम काम करने में दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको 10-15 दिन बॉडी को मेंटेन करने में लग जाता है, बॉडी को सेटल करने में टाइम लग ही जाता है। और उसके बाद दिन भर में पानी पीने लगी हूँ। देखते हैं, कर तो रहे हैं हम अपनी तरफ से कोशिश, अगर हमारा शरीर काम आता है शरीर, तो हम मान लीजिए हमारी एक्सरसाइज काम आती है और हमको फ़ायदा मिलता है, करते तो हैं कोशिश। और उसके बाद फ्रेंड्स, खाने सुबह के मैंने क्या किया है कि शाम का डिनर, रात का डिनर 6 बजे के बाद भी मैंने खाना बंद कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमारा 6 बजे के बाद अगर हम डिनर नहीं करते हैं, खाना पीना नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर को आराम मिलेगा, हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा। अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है तो आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था फ्रेंड्स कि लोग क्या करते थे कि पहले व्रत रहते थे, शाम पहले भी ऐसा होता था कि शाम से पहले खाना खा लिया जाता था और खाना उसके बाद फिर कोई खाना पीना नहीं खाता था। तो जब व्रत रहते थे तो व्रत रहने से भी हमारे शरीर को बहुत आराम मिलता था। पहले के ज़माने की जो फ्रेंड्स, जो पहले के ज़माने की औरतें थीं, बड़ी बूढ़ी औरतें थीं जो गांव में रहती थी, वो सारा दिन काम करती थी, खेतों में चक्की वगैरह चलाती थी, सारा काम करती थी, तो उनको मोटापा वगैरह नहीं आता था। लेकिन अब क्या, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि साइंस ने हमें इतना आराम दे दिया है कि हम कपड़े धोते हैं तो वॉशिंग मशीन में पानी निकालते हैं तो मोटर चला कर निकाल लेते हैं। पहले हैंडपम्प होता था तो हैंडपम्प चलाते थे तो एक्सरसाइज हो जाती थी, अब तो घरों घरों में मोटर टंकी लग गई, तो इस वजह से कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती है। लेकिन अब हम लोग आराम पस्त हो गया है। लेकिन गांव में जो मेहनत करती हैं वो आज भी उन्हें वो दुबली रहती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पानी वगैरह पीते रहते हैं और हम कभी कभी नींबू पानी पीते हैं और कभी कभी हम मेथी भिगो देते हैं 1 चम्मच। ये मेथी मैं इसलिए, इतनी सारी मेथी नहीं भिगोते हैं हम, सिर्फ छोटी 1 चम्मच मेथी भिगोते हैं। इसका हम अचार बनाने जा रहे हैं तो इसी वजह से हमने आज इतनी सारी मेथी को भिगोया है। और ये मेथी हमने रात को भिगो देते हैं 1 चम्मच मेथी, और सुबह उसका पानी छान ले, उसका सुबह एक चायदानी में डाल के मेथी सहित उसको थोड़ा सा उबाल लेते हैं और उसके बाद उसका पानी छान लेते हैं। और छानने के बाद आप चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं या फिर आप एक नींबू भी डाल सकते हैं। तो इसका पानी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मेथी के पानी से आपको कब्ज़ वगैरह नहीं होती है और मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है। तो हम इसको फिर हल्का सा गुनगुना करके धीरे धीरे सिप सिप करके पी लेते हैं। अब फ्रेंड्स, जब हम इतनी मेहनत करेंगे अपना वेट लॉस करने के लिए तो हमको अपनी डाइट को भी अच्छी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है तो आप 3 से 4 बादाम रात को भिगो दीजिए और सुबह उनको खा लीजिए, और या फिर आप चनों को भिगो सकते हैं और अंकुरित चने खा सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लंच की थाली दिखाऊँ तो देखिए, यहाँ खाने में मैंने ढेर सारा सलाद, दही और मूंग की दाल, और ये जो आप सब्ज़ी देख रहे हैं ये सहजन का सब्ज़ी है। सहजन का सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, और ये मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। और रोटी को देखिए, मैंने सिर्फ छोटी सी 2 रोटी ली है। दही भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, कोई हैवी लंच नहीं लिया है मैंने। और फ्रेंड्स, हमको इसमें 32 बार अपना जब खाना खाना है तो एक निवाल छोटा टुकड़ा तोड़ना है और एक निवाले को 32 बार में ही चबाना है। 32 बार हमको खाना है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। तो पहला निवाला आपके लिए फ्रेंड्स, आप सबके लिए जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। और 32 बार जब हम खाएंगे फ्रेंड्स धीरे धीरे, तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र
अच्छा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। और फ्रेंड्स, खाने के बीच में हमको पानी नहीं पीना है, क्योंकि जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र काम करना अच्छे से काम नहीं करता है। खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद ही आपको पानी पीना है, या फिर आप खाना खाने से पहले पानी पी लीजिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और फ्रेंड्स, 32 बार आपको धीरे धीरे चबा कर खाना, तभी उस खाने की पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा ज़रूर। तो 32 बार फॉर्मूले से मैं आपको ये बताई कि मेरा क्या मेन रूम मेंटेन बदली। तो दोस्तों, कोशिश तो जारी है, और जब हम कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और शरीर भी हमारा मेंटेन होगा, लेकिन थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनका दिल से धन्यवाद, और जो नहीं कर रखे वो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक भी कीजिएगा। क्या जाता है आपको।